छोटी सी बात लिखी हुई है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट में जो यू पी एन एच एम स्टाफ नर्स की आ चुकी है सत्रह हजार पोस्ट वाली इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट अफोर्स इड कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि मैम मुझे बहुत दूर का डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है बहुत दूर का मिल चुका है और बहुत सारे लोग को होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला हुआ तो जिनका दूर का मिला है क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि मैम हमारा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो पाएगा कि नहीं लेकिन अभी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है लिस्ट में कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज होने वाला नहीं है लेकिन अभी के लिए आपको परेशान नहीं होना है भगवान की दया से आपको सिलेक्शन मिला है कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिली है तो अभी के लिए आप पोस्टिंग अपनी लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए अपना सी एस सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी मिल रहा है उसको लीजिए ट्रांसफर का बाद में सोचेंगे पहले जॉब मिलना ही इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी किसी तरह जॉब लग जाए जॉब लग जाते तो सोचते हैं अपने ज़िले में पोस्टिंग हो जाए पोस्टिंग हो जाती तो ये सोचते हैं कि ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे काम ना करना हो ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे बिल्कुल ड्यूटी का कोई भी टाइमिंग ना हो ढंग से तो ये सारी चीज़ें भी होती है अभी के लिए तो आपका सिलेक्शन हुआ है तो फोकस करिए कि कम से कम आप अपनी जगह पे पोस्टेड हो जाएं एटलीस्ट गवर्नमेंट इम्प्लॉई आप कहलाएं सबसे पहले मैं जाऊंगी यूपी पी एन की ऑफिशियल साइट यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ कि आज जो है सात मार्च को ऑफिशियल साइट पे आ चुका है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट जिनका सिलेक्शन हो चुका था एन स्टाफ नर्स में तो अब जाके उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है और बारह मार्च के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट ऑलरेडी हमने डाल रखी कि क्या क्या चीज़ें आपको जरूरत होगी इसके अलावा भी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाली हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरे दो सौ एक पेज से लेके दो सौ तैंतीस पेज तक यहाँ पे आ चुका है कोई कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लिस्ट में नाम नहीं मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पीडीएफ डी एफ खोलना है इसलिए नहीं मिला ऑफिशियल साइट से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पे आपका नाम है जिस प्रोग्राम में आपका नाम है वहाँ से आप इसको सर्च करके देख लीजिए इसमें से मैंने एक पी जो है वो खोल ली है सारे प्रोग्राम का आ चुका है लगभग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पी खुला है वो चाइल्ड हेल्थ का है ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कई सारे प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया कई सारे डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड क्या करना है कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बेस्ट है तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट देखिए कि कौन सा आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है उसको ज्वाइन करिए और दूसरी बात यह देखिए कि कौन सा प्रोग्राम है प्रोग्राम की वीडियो बनाई है कौन सा प्रोग्राम आपको प्रायोरिटी देना है ये ऑलरेडी मैंने बताया अगर आप रेगुलर चैनल हमारा देखते होंगे तो आपको पता होगा लिस्ट में देखिए कि आपकी सीरियल नंबर भी दिया गया है एप्लीकेशन नंबर फादर नम, फादर का नाम डेट ऑफ़ बर्थ कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ आपको मिला है और शॉर्ट लिस्टेड नॉट शॉर्ट लिस्टेड वेटिंग ये अपना जो रिमार्क है वो दिया गया काफ़ी सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाने हैं तो ऑलरेडी मैंने बताया है और यहाँ पे एक बार और मैं गिनवा देती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें डॉक्यूमेंट्स है वो आपका ई सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट है ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जिन लोगों ने लगाया है ऐसी कैंडिडेट को छोड़ के ऐसी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना से पुराना भी चलेगा कोई भी दिन का हो लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं नॉन क्रीमी लेयर के या फिर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एक अप्रैल दो हज़ार बाईस के बाद का होना चाहिए इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी इसके पहले का अगर आप लगाते हैं मतलब पुराना लगाते हैं तो आपका वैलिड नहीं होगा और एक चीज़ और मैं बता दूँ एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है इन केस फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे वो ऐसी कैटेगरी हैं या फिर कहीं के भी हों ओ के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट जिनकी शादी हो गई है फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट अब बनना मुश्किल है और शादी के बाद हसबैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में नहीं लेना है तो आपको करना क्या है सर्टिफिकेट जो बनता है वो हस्बैंड के नाम से बनता है लेकिन फादर साइड से वेरीफाइड होता है कि अगर आपने शादी ओबीसी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो कायदे से फ़ादर साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट वैली दे दें ओ बी सी कैंडिडेट हो अगर आपने एस सी में शादी कर ली है वैसे तो जेनवन होता नहीं है लेकिन अगर ऐसा है तो आपको ओ बी सी सर्टिफिकेट आपके जो फादर का कास्ट है वही सर्टिफिकेट बनेगा आपका एस सी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा एस सी का सर्टिफिकेट जो बच्चे होंगे वो एस सी कैटेगरी में आएंगे लेकिन जो फ़ादर साइड का है वो ओ बी सी का तो हस्बैंड के नाम से ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है जो लोग को जो लोग मतलब मैरिड हैं उन लोगों ने लगाया आप उनसे बात करेगा हस्बैंड के साइड से ही बनेगा लेकिन वेरीफाइड होता है फादर साइड से तो ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट मैरिड लोगों के लिए बनता है यूपीपीएससी में भी ऐसा ही हुआ है फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए दूसरी बात मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बता दूं तो रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगाते हैं जब भी आप किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन हमेशा आपका हो के रखना चाहिए तभी ये वैलिड है तो जिस डेट को फॉर्म अपने अप्लाई लास्ट डेट था उस डेट के पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तब जाके आपका सलेक्शन है नचम बस दो ही चीज़ पे आपको बाहर करेगा पहली बात अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया ई डब्ल्यू एस लगाया है तो वो आपका सही सही होना चाहिए जो एग्जैक्ट डेट दिया है उस डेट का होना चाहिए लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन है तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें इस ऑफिशियल साइट का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें दिया गया चल एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स आपको काउंट करवा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है इस लिस्ट में आपने अपना नाम सर्च कर लिया होगा तो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको भी पढ़ना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है तो इसमें डॉक्यूमेंट दौ, वेरिफिकेशन की डेट नहीं निकली अभी आपको एक लेटर इशू होगा ऑफिशियल साइड से आपकी आई से एक लेटर ऑनलाइन आपको डाउनलोड होगा जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन और कहाँ पर आपको डी करानी है ये सारी चीज़ें दी जाएंगी तो अभी ऑफिशियल साइट पर वो खुल नहीं रहा है इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपका ये क्लियर हो जाता है कि आपको 12 मार्च 2024 के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वेरिफिकेशन के बाद आपका एन में रिपोर्टिंग हो जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करा ली है और आपका ज्वाइनिंग अप देना है तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपका बारह मार्च के पहले ऑफर लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, -क्या लेके जाने ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया फिर एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं तो सबसे पहले आपका होगा हाई स्कूल का जो भी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट फिर अगर आपने जी कर रखा है बी नर्सिंग कर रखा है तो उसका मार्कशीट डिप्लोमा भी चाहिए और साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड डेट का चाहिए इसके बाद अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ई डब्ल्यू एस लगाया तो ई डब्लू एस सर्टिफिकेट चाहिए यू आर के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है अगर आपको निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है डोमिसाइल है तो डोमिसाइल लगाइए अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो वो भी लग जाएगा क्योंकि आधार जो है वो डोमिसाइल की ही समझिए कॉपी है जिनके जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल लगाना ही लगाना है लेकिन अगर नहीं है इनकेस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना होगा मेडिकल जहाँ पे आप ज्वाइन करने जाएंगे सी एस सी पी भी बनवा सकते हैं लेकिन जिस जिससे हॉस्पिटल पे जाइए वहीं से आपको एक दिन लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में वो बनवा लीजिए उसके बाद से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा मेरे चैनल पर फॉर्मेट रखा हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई भी गैजेटेड ऑफिसर्स आपके एरिया में होंगे कोई चिकित्सा अधिकारी हो गए या फिर किसी लेवल पर अधिकारी पोस्ट पर होंगे जो गैजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट आती है गूगल पे सर्च करिएगा कौन कौन गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं तो आपको दो साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है दो लोगों से आपको वेरीफ़ाई करा के देना होता है उसमें कोई प्रोसेस नहीं है कायदे से तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका छः मंथ का बनता है लेकिन एन में डीवी मैंने करवाई है तो वहाँ पे दो साल का मांगते हैं कि ऐसे पर्सन जो आपको दो साल से जानते हो पर आपके रिलेटिव नहीं है गैजेटेड ऑफिसर आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए लेकिन हाँ आपको जानते हो ऐसा तो आसपास के जो लोग भी आपके जानने में गैजेटेड ऑफिसर्स हैं तो उनसे आप साइन करवा के दो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट करिए बाकी बेसिकली इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है बस आपके ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डी के टाइम में लेके जाइए और उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करना है सबसे पहले अपना ऑफर लेटर लगाइएगा उसके बाद से आप लगाएंगे हाई स्कूल इंटर फिर आपने जो डिप्लोमा डिग्री ले रखा है जी एन एम बस सी नर्सिंग कर रखा है उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद अगर डिग्री है तो डिग्री भी लगा सकते हैं उसके बाद से आपको क्या करना है कास्ट सर्टिफिकेट फिर ई डब्ल्यू एस है तो ई डब्लू एस सर्टिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं डोमिसाइल लगाइएगा डोमिसाइल लगाने के बाद आधार कार्ड जरूर अटैच करें और साथ में अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड और अपना स्कोर कार्ड जो निकलता है कितना आपने नंबर पाया एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी है इसके अलावा भी कोई डाउट आपको लग रहा है कि मेरे से आ, मतलब कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सवालों की झड़ी लगती जा रही है तो मैं इतने सवालों का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो एक वीडियो से मैं बना देती हूँ ताकि सबको रिप्लाई मिले जल्दी मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी हर दिन कम से कम आधे घंटे में लाइव आऊँगी जो भी आपके सवाल होंगे लाइव पूछ लीजिएगा जिससे मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं होगी अब मेरे से एक सवाल और है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाएगा कि नहीं अभी के लिए मैं बता दूँ लिस्ट में दिया गया कि आपका ट्रांसफर नहीं है लेकिन पहले आप ज्वाइन करिए बाद में उसका भी सोलूशन निकलता है अगर मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ट्रांसफर लेना है Osionfish. कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र लेना है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ट्रांसफ़र लेना है तो अगर जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र लेना वहाँ पे अगर कोई भी पर्सन काम नहीं कर रहा है तब आपका ट्रांसफ़र होना इजी होता है लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में म्यूचुअल नहीं होता है मतलब कि अदला बदली नहीं होती कि तुम इस सी एस सी से ए सी एस सी पे आ जाओ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है लेकिन अभी के नोटिफिकेशन में दिया है कि डिस्ट्रिक्ट नहीं चेंज हो रहा है म्यूचुअल से हम चेंज कर सकते हैं आगे प्रोसेस हो सकता है कि चेंज हो अभी के लिए आपको ज्वाइन करना है और एक चीज़ मैं बता बताऊँ जो, जो आपका एन के थ्रू वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सी एस पे ही पोस्टिंग देता है इसके अलावा आपको पता करना है कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो वहाँ पे पता कर लीजिए कि आपके आसपास का सबसे नियरेस्ट सी एस सी कौन सा है और जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे आप एक लिंक लगाइए या फिर परिचय से या फिर मैं कहूँ डायरेक्ट आप उनसे बात करिए कि आपको अपना नियरेस्ट आपके होम होम टाउन से मतलब आपका जहाँ पे घर है वहाँ से सी एस कौन सा पास है तो आप उनसे बात करके अपना नियरेस्ट सी एस सी है उसको वहीं से आप ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर क्योंकि एक बार जब सी एस सी पी हो जाते हैं तो फिर जल्दी मुश्किल होता है चेंज करना तो जिस टाइम में आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने जाएँ उसी टाइम में आप अपना नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट उनसे बोल के कि मुझे मेरे पास का डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए सॉरी मेरे पास का जो सी एस है वो दे दीजिए तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उस टाइम में जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाद में मुश्किल है तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी आप जाइए तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी भी तरह से आपको अपने पास का सी एस सी लेना क्योंकि आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं है कि आप बहुत दूर जाके काम कर पाओ तो इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम दस किलोमीटर के रेंज में आपका वर्क प्लेस हो तो ज़्यादा बेटर होगा तो मैंने बता दिया कि आपको वहीं से कॉन्टैक्ट करना है जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा वहीं से आपको अलॉट होता है सी के अंडर में इसका अलॉटिंग होता है पोस्टिंग होता है सी एस सी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कौन सा मिलेगा तो कई सारे प्रोग्राम हैं जिसमें आपको मेनली पी मिलेगा जैसे कम्युनिटी लेवल पे जो काम कर रहे हैं फिफ्टीन सर्विस कमीशन हो गया या फिर मैं कहूँ कि कम्युनिटी प्रोसेस हो गया तो इनकी पोस्टिंग आपकी लगभग पीएससी पे है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है और सीएससी पे मैटरनल हेल्थ चाइल्ड हेल्थ ये सारी चीज़ों की पोस्टिंग होती है तो उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने डाल रखी है वीडियो में जरूर देखिएगा पोस्टिंग कहीं पे भी हो लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि सी एस सी उतना काम नहीं होता है कंपेयरिंग टू मेडिकल कॉलेज या फिर कहीं पे तो आराम से अपनी ड्यूटी करिए और ये लास्ट जर्नी नहीं है लास्ट आपका डेजिग्नेशन नहीं है इसके अलावा भी आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है तो अभी के लिए आप इसको एन जॉब को प्लेटफॉर्म समझिए और ज्वाइनिंग के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए आगे आपको नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट वाला बनना है बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है इस पर जॉब करते रहिए और साथ में आगे की तैयारी करते रहिए ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई कमेंट हो कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं लव यू ऑल बाय